नालंदा थाना क्षेत्र इलाके के नालंदा खंडहर के समीप मुजफ्फरपुर गांव की है, जहां एक खंडहर में मकान के अंदर शौचालय की टंकी के अंदर छिपाकर 147 बोतल विदेशी शराब रखा गया था। गुप्त सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग इंस्पेक्टर विजय कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दलबल के साथ मुजफ्फरपुर गाँव में छापेमारी की, जहाँ से खंडहर मकान के शौचालय की टंकी से 147 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। हालांकि इसमें किसी धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस खंडहर नुमा मकान की जांच कर शराब अधिनियम के तहत उसे सील करने की कवायद में जुट गई है। पूछताछ में पता चला कि खंडहर नुमा मकान हीरा साव का है। सोना रानी के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय के आदेश और नवागत अधीक्षक मदनिशेष श्री उमा शंकर प्रसाद के निर्देशानुसार आज गुप्त सूचना मिली कि नालंदा थाना अंतर्गत मुजफ्फरपुर मुसहरी है, उसमें अवैध शराब स्मगलिंग के द्वारा लाया गया है। दो तीन जगह का तलाशी लेने पर हीरा साहब के खंडहर नुमा मकान के पैखाने के टंकी से ये शराब बरामद हुआ। इसमें चार वैरायटी का शराब है, रशिया नाइट है, और जो होता है वो रॉयल स्टेग है, रॉयल प्लेयर है, ये सब ड्यूटी पेड है अरुणाचल प्रदेश का, जो स्मगलिंग के द्वारा यहाँ लाया गया। क्या अगर कार्रवाई की जाए? इसमें जो होता है वो सीओ साहब से उस मकान खंडहर नुमा मकान का जो होता है वो खता खेसरा उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके बाद उसको सरकार द्वारा अधिग्रहण कर कार्रवाई की जाएगी और हीरा साहब पर FIR लॉन्च किया जाएगा। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।